फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग 13 और 14 मार्च का करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके पीछे जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए ठीक है, देखते हैं, चलिए चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहला नेशनल न्यूज़ में देख लीजिए, जो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन है 14 से 17 के बीच का, वो 20% बढ़ गया है। 14 से 17 तक 20% मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है। पहले कितना था, 137.7 मिलियन टन्स था, अब कितना हो गया, 165.4 मिलियन टन्स हो गया। तो 2014 में 137.7 मिलियन टन्स था और 2017 में 165.4 मिलियन टन्स हो गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। और देखिए, यहाँ पर और एक चीज़ देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर कौन है, तो ये है राधा मोहन सिंह, ठीक है। और AHIDF का फुल फॉर्म देख लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर्म, उसके लिए गवर्नमेंट ने 2450 करोड़ रुपया जो है उसके डेवलपमेंट के लिए एनिमल हस्बेंड्री के सेंसन किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान पासेस टू अवार्ड डेथ पेनल्टी फॉर दोज हु आर रेप गर्ल्स अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज। तो देखिए, राजस्थान एक बिल पास किया है कि जो भी व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़कियों का रेप करता है उसको डेथ पेनल्टी दिया जाएगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया, कि स्टेट होम मिनिस्टर जो यहाँ वहाँ के थे उनके द्वारा ये लाया गया था, गुलाब चंद कटारिया। और देखिए, ये किस एक्ट के तहत है, द क्रिमिनल लॉ बिल 2018 के तहत इसको अमेंडमेंट किया गया है वहाँ पर, ठीक है। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जीएसटी जो है, जीएसटी काउंसिल अप्रूव्स रोलआउट ऑफ ई वे बिल फ्रॉम द अप्रैल। तो देखिए, जो इंटर स्टेट स्टेट में जीएसटी लाने के लिए एक ई वे बिल आया है, विल वो 15 जनवरी से चालू होगा, और मतलब कि सारे स्टेट में 15 जनवरी से लागू हो जाएगा। अब विल कवर द स्टेट टिल द जून 1, और जून 1 तक सारे स्टेट को कवर कर लेगा, ठीक है, रॉवेल्ट ऑफ ई वे बिल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल। देखिए, एक बिल है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल एंड चीट फंड अमेंडमेंट बिल, इंट्रोड्यूस लोकसभा में 2 बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल और चीट फंड अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें जानने के लिए है, इसमें 100 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस कौन है, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड दिल्ली इंड टीवी समिट एंड द लॉन्च ट्यूबर कोलोसिस फ्री कैंपेन। देखिए, टीबी एक बीमारी है जिस इंडिया को फ्री करने के लिए एक आपको मुहिम चलाया गया है। और देखिए, इसमें क्या क्या था, ये किससे किस मिल के जो ये होस्ट किया गया है, वो होस्ट किया गया हेल्थ मिनिस्टर के तरफ से, WH साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफिस और टू स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, ठीक है। और देखिए, इस टीबी मतलब कि ट्यूबर क्लोसिस फ्री इंडिया कैंपेन के लिए ये किसके तहत होगा, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत होगा, ठीक है। ये एक प्लान है, इसके तहत इसको जैसे कि पोलियो मुक्त भारत हो गया, उसी तरह टीबी मुक्त भारत करने के लिए इसको किया गया। और इसके लिए फंडिंग कितना किया गया, 12,000 करोड़ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये 12,000 करोड़ जो है ये किस पे खर्चा होगा, तो वो डायग्नोसिस पर, ट्रीटमेंट पर, ये सब सपोर्ट टीबी पेशेंट के लिए ये जो मनी है उस पर खर्चा किया जाएगा, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म ट्रिब्यूनल टू सॉल्व महानदी वाटर डिस्प्यूट्स। देखिए, महानदी वाटर डिस्प्यूट्स किसके किसके बीच में है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में चलता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जज नियुक्त किया है, तो वो है AM खनिवालर विल बी द चेयर पर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल। इस जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है महानदी वाटर डिस्प्यूट्स के लिए, उसमें जो AM खनिवालर रहेंगे वो चेयर पर्सन रहेंगे, और रवि राजन पटना जो हाईकोर्ट के जज हैं वो भी उसमें रहेंगे, इंद्रमित कौर कोचर भी रहेंगे जो हाईकोर्ट के जज हैं, और ये मेंबर बनाया गया इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये किस
जो ये डिस्प्यूट होता है ये सब किसके अंदर आता है, तो ये आता है द इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1956 में। और उसी के तरह जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं किसी स्टेट में रिवर को वाटर को लेकर, तो वो इसी एक्ट के तहत उसको डील किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया फर्स्ट कोस्टल पॉलिसी एकेडमी इन गुजरात। तो देखिए, इंडिया का सबसे पहला कोस्टल पुलिस, कोस्टल पुलिस मतलब जब अभी तक तो देख रहे थे कि शहर में ही रहता था, मगर अब समुद्र में भी पुलिस रहेगा। ठीक है, कोस्टल पुलिस एकेडमी तो वो यहाँ पर रहेगा, मगर कोस्टल पुलिस जो एकेडमी बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया, सबसे पहला गुजरात में। ठीक है, तो नेशनल, इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि द यूनियन होम मिनिस्टर है सैंक्शन द लॉन्च ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसी। तो देखिए, अभी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, चाहे CGL का, चाहे कोई भी जो एग्ज़ाम इंडिया में होता है, तो उसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो NACP का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसी। ठीक है, और ये कहाँ पर है, गुजरात। ठीक है, गुजरात फिशरीज रिसर्च सेंटर है। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, कोस्टल ओका, क्रिएटेड इन द देवभूमि ढवारका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई मेट्रोस, ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऑल इंडिया मेट्रो रेल कंपनी लॉन्च्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि सारे मेट्रो को एक दूसरे के एक्सचेंज आइडिया ओडिया को एक्सचेंज करना होगा ताकि मेट्रो को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, ये किसके द्वारा लागू किया, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे, PK सिन्हा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ देख लीजिए, इट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, 1860 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको लागू किया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और इंडिया फ्रांस इंक 14 पैक्ट मेजर बूस्ट टू डिफेंस न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन। देखिए, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, कौन है, प्रेसिडेंट इमेनुअली माइक्रोन, जो है वो भारत आए हुए हैं, भारत के दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 14 मेन पैक्ट साइन किया गया है जिसमें डिफेंस है, न्यूक्लियर एनर्जी और कॉपरेशन है। ठीक है, और ये मेन इसका जो कंटेंट है, मेन इस चीज़ पर, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, टेररिज्म, इस सब पर 14 कंटेंट पर फ्रांस और इंडिया दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा। ठीक है, और ये कॉपरेशन हुआ है किसके किस में, द इंडो पैसिफिक रीजन सेटअप टू ज्वाइंट एफर्ट टू कंटेन टेररिज्म। एक इसमें ये दोनों कंट्री मिलकर एक सेटअप करेगा टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। नवजोत कर रैंक नंबर 2 इन द वर्ल्ड रेसलिंग। देखिए, नवजोत कौर जो है वो कुश्ती करती हैं। ठीक है, वो एशियन चैंपियन नवजोत कौर हैज बिन रैंक वर्ल्ड नंबर 2 इन द, ये 65 kg के कैटेगरी में नवजोत कौर को दूसरा रैंक मिला है वर्ल्ड में। ठीक है, और वह किसके द्वारा, जो पैस ये लिस्ट जो जारी किया गया है किसके द्वारा किया गया, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखिए, नवजोत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द रिसेंट एशियन चैम्पियनशिप इन बिशेक कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये नवजोत वो पहली ऐसी औरत थी जो एशिया चैंपियन में गोल्ड मेडल जीती थी। और भी देख लीजिए, जो बिनेस फोगाट हैं ये 50 kg के कैटेगरी में हैं, 50 kg में सेकेंड रैंक पर थे। ठीक है, और ये किसको हराए थे, मतलब किसके पीछे थे, लिन चन ऑफ चाइना के पीछे थे। ठीक है, ये देखिए 59 kg के कैटेगरी में संगीता फोगाट जो है इज रैंक 5th इन द वर्ल्ड। और संगीता फोगाट आप देखे होंगे कि अभी दंगल जो मूवी आया था, ठीक है, फोगाट पर ही आया था, तो देखिए वो संगीता फोगाट जो है वो 5th है वर्ल्ड पर, वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर पर हैं 59 kg कैटेगरी में। ठीक है, और साक्षी मलिक के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, वो करेंटली वर्ल्ड के चौथे नंबर पर हैं 62 kg के कैटेगरी में। तो ठीक है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।